Korba police has solved the mystery of the blind murder during the investigation. Uttar Pradesh police has also helped the Korba police in arresting the accused who committed kidnapping and murder. Amit Kumar Sahu was kidnapped by some people and also demanded ransom. The accused viciously called him on the pretext of booking a car and killed him due to fear of being caught. Later, Amit's body was found near the village. During the investigation, the police received many inputs. The police blocked the city and started searching for the accused. It was revealed that this incident was committed by three people. During the search operation, with the help of UP police, one accused was caught at the Nepal border. The second accused has been arrested from Raipur and the third from his house in Korba district itself. The names of the accused are said to be Rajesh Lahare, Himlal Divya and Pawan Kumar. देखिए 14 और 15 की दरमियानी रात में कोरबा के नवाडी गांव के निवासी अजय प्रकाश के निवासी अमित साहू की निशंस हत्या की गई थी। इसमें लगातार पुलिस टीम विवेचना कर रही थी और 15 दिनों से हम उसी क्षेत्र में कैंप कर रहे थे। इसमें हमने पता चला है कि उसी गांव के तीन हत्यारे जिनका नाम है राजेश कुमार लहरे, हेमलाल दिव्य एवं पवन कुमार कंवर, इन्होंने इस घटना को कारित किया था। इनकी जो प्रमुख जो मंशा थी वो इनसे फिरौती लेने की थी, अपहरण कर फिरौती करने के लिए अपहरण किया गया था, परंतु क्योंकि वो उसी गांव के थे और उनकी पहचान उजागर हो गई थी इसलिए उन्होंने मृतक की हत्या की। और इसमें से राजेश कुमार लहरे को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसमें महाराजगंज पुलिस उत्तर प्रदेश ने भी हमारा बहुत साथ दिया। हेमलाल दिव्य उर्फ कुशवा जो कि मेन आरोपी है, इनको रायपुर से गिरफ्तार किया गया है और पवन कुमार कंवर को गांव में ही मौजूद था वहां से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त सभी वस्तुओं को रिकवर कर लिया गया है। इसमें आरोपी को को फोन करने से पहले उन्होंने एक जगह एक मोबाइल की चोरी भी करी थी, वो मोबाइल भी रिकवर कर लिया गया है। और इस पूरी टीम में एडिशनल एसपी साहब, थाना प्रभारी उर्गा, थाना प्रभारी करतला अजय सोनवानी और उनकी पूरी टीम, डेमन ओग्रे, इन सभी लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं इसके लिए टीम के लिए एक प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम की भी घोषणा करता हूँ। क्या योजना थी, क्या फोन कर बोले थे इन लोगों ने? पहले इस कारण से फोन किया कि हमें कोरबा जाना है और वहाँ पे जाके हमें किसी को ब्लड देना है। ऐसे रात को 9:30 बजे के आसपास, 9 और 9:30 के बीच में फोन किया गया। जब आरोपी आया तो फिर उसके साथ वो बोलेरो लेके आया, जब बोलेरो लेके आया तो फिर उसके साथ मारपीट और जिसकी मैंने बताया पैसे की डिमांड की गई, परंतु पहचान उजागर होने के कारण फिर औरई और रीवा बाहर के जंगल के बीच में उसकी हत्या कर दी गई। उसके ऊपर जो अपराधी ने हमला किया है उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सर आपको कैसा लगा, आप लोग क्या यहाँ आज कार्यालय में उनका कार्य अच्छा लगा सर, इसलिए पात्रता की जगह था इसलिए आभार व्यक्त करेंगे। मर्डर हुआ है 14 तारीख को जी जी रात में, बुकिंग के लिए बुलवाया, एक्सीडेंट हो गया है। 112 पेशेंट खुले गए हैं 100 पे और उसकी माँ और उसके घर के परिवार के लोग जाएंगे वहाँ ब्लड लगा तो ब्लड देने हैं ऐसे कहकर तो रात में। अभी जो पुलिस को सफलता